بسم الله الرحمن الرحيم वालेकुम व्यूअर, कैसे हाल हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और आज की सुबह का व्लॉग शुरू हो चुका है। आज की बस सुबह उठे हैं, बस नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद अभी हम इंशाल्लाह निकलेंगे, बस मन ने सौदा लेके आना है। और आज कोई मूड है चिकन बिरयानी का, तो आज बच्चे कहते हैं कि जी पापा चिकन बिरयानी खानी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो बस चलते हैं मार्केट से कुछ सामान लेके आते हैं, उसके बाद आपको आज चिकन बिरयानी की रेसिपी बताएंगे। तो सामान मैंने ले आया था, मैं समय थोड़ा सा किसी काम से मसरूफ था और जिसकी वजह से थोड़ा सा वो मैं लेट हो गया। बाकी तो चीज़ें शुरू हो गई हैं, आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये बिरयानी मसाले के लिए है, चिकन वगैरह और इसमें प्याज वगैरह, प्याज ग्राउंड करके उसमें चिकन डाल के उसको फ्राई किया जा रहा है, मसाला बनाया जा रहा है बिरयानी के लिए। बाकी प्रोसेस भी आज आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए हमने इंशाल्लाह ये पेस्ट तैयार कर ली है, इसमें हमने दही में हमने सूखा धनिया और गर्म मसाला और बिरयानी मसाला वगैरह सारा कुछ इसको मिक्स कर लिए, और ये भी डालना है इसके अंदर। इसके पहले हमने इसका पेस्ट बना लिया, और ये आप देखें इंशाल्लाह जब आपको घर की बिरयानी कैसे बनती है और जायके में कैसी होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको हम दिखाएँगे इंशाल्लाह। आज का दस्तरखान भी हमारा आज की चिकन बिरयानी आने वाली है, इसको हमारा फ्राई हो गया है और अब इसमें हम डालने लगे हैं जनाब वो जो सारी चीज़ों को हमने पेस्ट बनाया था, मसाला और दही या बिरयानी मसाला और गर्म मसाला, ये सारी चीज़ें हमने मुकम्मल पेस्ट बना देते, ये आपको दिखा देता हूँ। देखें उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद इंशाल्लाह उसको थोड़ी देर के लिए से डाल उसको ऊपर ढक्कन दे देंगे इंशाल्लाह। देखिए हम इंशाल्लाह ये ऊपर अब ढक्कन लगाने लगे ये थोड़ी देर की, ताकि ये अच्छी तरह एक तो मसाला भी अच्छी तरह वो मेल्ट हो जाए, और दूसरी बात ये है कि वो जो छोटी मोटी कमी है वो कि गोश्त में चिकन की, तो वो भी नरम हो जाएगा। 5 मिनट के बाद हम इसको गुजरने के बाद हमने दोबारा ये ओहो क्या बात है, फंटास्टिक ज़बरदस्त यार, घर की चीज़ हो घर का क्या बात है जी, मज़ा आ जाएगा जी। देखिए जी माशाल्लाह चावल हमारे मेरी बेटी रानी साफ़ कर रही है इंशाल्लाह, बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। क्यों जी साफ़ हो चुके हैं जी? हमने रख दिया है, और ये पानी हमने चावलों के लिए रखा है, पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, अब इसमें हम डालेंगे नमक। ये देखें नमक डाल दिया हमने जी, ये देखें जी ये माशाल्लाह देखिए मसाले अपने घी छोड़ दिए, और अब हम इसको यहीं से पे इसको स्लो कर देंगे, देखिए बंद ही कर देते हैं, बाकी जब चावल वगैरह होगा बाकी प्रोसेस शुरू होगा फिर वो आपको ये सारा मुकम्मल बनाएंगे आपको। चलिए अपने सब मिर्च भी इसमें डाल दी, और उसके बाद हम इसको कर देंगे कढ़ाई से तरह, फिर मैंने कहा चलो सब मिर्च भी पहले डाल देता हूँ, वो रह गई थी तो सब मिर्च डाल के। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और मेरे साथ जो भी देख रहे शराकी माशाल्लाह। हमने चावल अच्छी तरह पहले पानी से धोया, धो के और अभी पहले पानी जब उबला आ गया थोड़ा सा गर्म हो गया पानी, इसमें नमक भी डाल दिया था आपको पहले दिखाया है, और अभी इसमें हमने डाल दिए चावल, और ये चावलों को अच्छी तरह उबला आ जाएगा, तो फिर उसके बाद अगला प्रोसीजर भी आपको मैं बिल्कुल तरतीब से आज आपको दिखा रहा हूँ। आज मैंने कहा घर की रेसिपीज आपको इंशाल्लाह डेली बेस पर आपको बताया करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन आप भी मेरे वीडियो को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब किया करें, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो मेरी हौसला अफजाई के लिए कम से कम सब्सक्राइब और लाइक और आगे शेयर लाजमी किया। पानी निकालने लगे हैं इंशाल्लाह, खुशबू कमाल आ रही है, क्या बात है, क्या खुशबू है जी, क्या बात है ज़बरदस्त इसका माशाल्लाह। हम इसमें से अच्छी तरह पानी निकाल दिए और इसमें रख के जी व्यूअर्स ये देख लें, हम अब बिरयानी का अगला प्रोसेस शुरू हो गया। मुझे वैसे पता नहीं था कि बिरयानी कैसे बनती है, लेकिन आज ये पहली दफ़ा मैं ये प्रोसेस देख रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ, देख लें। और इस प्रोसेस में
जो हमने पहले चावल डाल दिए थे, उसके बाद ये उसमें हमने मसाला डाला जा रहा है जो पहले हमने इसको तैयार किया था। हर बंदे की अपने एक स्टाइल होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की बिरयानी तैयार होती है, ये नहीं है तो कोई यार एक यार वो रेसिपी कौन सी है, लेकिन हर बंदे का अपना एक तरीक़ेकार होता है। कोई मिर्च वगैरह कम रखता है, कोई मिर्च वगैरह ज़्यादा रखता है, और लिहाजा इसलिए ये देख लें जिस तरह वो कराची वाले और तरह की शायद होता हो, पंजाब वाले और तरह की, यानी कि इस तरह मुख्तलिफ इलाका की आवाज़ भी होती है, लेकिन एक जो हम अपने घरों में अक्सर ये चिकन बिरयानी बनाते हैं या तो क्योंकि अपने हिसाब से बनानी होती है, वो मिर्च वगैरह के हिसाब अपना एक रखना पड़ता है, कम हो या ज़्यादा। दो तह लग चुके हैं और ये तीसरी तह भी अब ये लग रहा है और ये फाइनल है। कोशिश करेंगे काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह रखना ज़रूर पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाह, यहाँ के अलावा खाने में बरकत भी डालता है और आपका जायका भी अच्छा बनता है इंशाल्लाह। उसके बाद हम इसको दम लगा देंगे, ये अब वो तय लगा के और अब ये अगला प्रोसेस जो है सब मिर्चे रख रहे हैं, सब मिर्चें डालेंगे, उसके बाद देख रहे ये नींबू डाला जा रहा है, ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त 430। ये धनिया डाला जा रहा है, धनिया के पत्ते छोटे छोटे काट के पुदीने और पुदीने के छोटे छोटे पत्ते और धनिया के छोटे छोटे पत्ते काट के हमने वो भी डाल दिए। ये हम दूध में कलर डाल के और ये फूड कलर होता है लगा के सारी चीज़ें डाल के उसके हम इसको फाइनल हमारा जो है वो दम लगने लगे और ये हम इसको दम लगाने लगे। ओके, देखिए हमने दम को खोल दिया, क्या बात है, खुशबुएँ खुशबुएँ, ओए ओए ओए, क्या बात, क्या बात, घर की सारी चीज़ें हों, घर के मसाले हों और घर की बनी बनी का अपना ही टेस्ट होता है, क्या बात। ये देखिए मैं आपको ये हमारा खाने का दस्तरखान लग चुका है जी इंशाल्लाह, और ये मज़े मज़े की बिरयानी जो भी आपके सामने तैयार की आ चुकी है और ये साथ रहता भी और ये साथ सारी चीज़ें आ चुकी हैं इंशाल्लाह, और भी खाना स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, और आप भी आए हमारे साथ खाना खाएं इंशाल्लाह, और वीडियो को एंड करते हैं इंशाल्लाह। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी सब्सक्राइब लाइक लाजमी कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा, फ्रेंड्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।